भाई ये बताओ पैसा वसूल किस किस का हुआ है? बताओ यहाँ पे दिखाओ, पक्का? यस सर। ईमानदारी से? यस सर। अगर मैं डे वन से बात करूं एमएमसी चेन तक, किस किस का? जल्दी बताओ फिर से। ठीक है, जितना सोच कर आए थे उससे ज्यादा मिला कि उतना ही मिला है? बताओ ज्यादा मिला है। चलो ठीक है, आज आपकी ड्यूअल एग्री की क्लास है, ऑल द बेस्ट। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है देवव्रत अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 नवंबर बैच। ये है जैसे कि आप हमेशा देखते हैं एंडिंग क्लास हमारी ड्यूअल डेकर का सेक्शन, जिसमें अभी हमने शुरुआत की है ड्यूअल डेकर से और कुछ बक लाइनों से, जिसमें हमने उनको डेट सेक्शन बताए हैं। मेरे साथ है एजर टेलीकॉम की पूरी टीम, मैडम के साथ में यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के लिए दुर्गेश सर, एमएमसी के लिए हमारे मिलन सर और हमारे हेल्पिंग दीपक सर। उसके साथ हमारी और टीम है मोहम्मद सर, हमारे राम सर और अनिल। सो अगर मैं बात करना चाहूँगा, सबसे मैं बात करूँगा, बट मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आइए। ये है, इसका नाम है उमाकांत। उमाकांत कहाँ से हो तुम? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से, क्या है तुम्हारे हाथ में? सैमसंग का M31 सेट है सर। ये क्या क्या लेकर आए थे इसको? ये सर रिस्टार्ट हो रहा था बार-बार। रिस्टार्ट हो रहा था, तो 5 मिनट के अंदर रिस्टार्ट हो जा रहा था। इसका सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। और इसमें हमने ड्यूअल लेकर निकाल के लगा के इसको सोल्यूशन दिया आपका, पूरा लाइव किया यहाँ पर? पूरा लाइव किया सर। तो ये हमने इसलिए किया, आपने ये हमने आपके सामने ये हमने इसलिए किया ताकि अब ये जो ड्यूअल लेकर कर रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए सीपीयू और रैम का क्या रीडिंग है। क्या समझ में आया आज की क्लास? आज सर ने अच्छे तरह से समझाया सर, पूरा माइंड में सेट हो गया सर। अभी आप बताओ आप क्या लेवल पे थे और अभी कितने लेवल पे आप अपना? सर मैं तो जीरो लेवल पे था, मैं समझा था कि हमारे एरिया में मैं बहुत ही मेरे को नॉलेज है। इधर आ गया जब तो मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल जीरो में हूँ। मैं जीरो में था उधर और मैं बोल रहा था कि मैं पूरा हीरो हूँ, लेकिन बिल्कुल जीरो था। अभी अच्छा हूँ सर। अब आपको लगा रियलिटी क्या है इसमें वर्क की, कहाँ टेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ चेक करना चाहिए, कैसा गई क्लास आपकी ओवरऑल? सर अब बहुत ही अच्छा सर। अभी आप क्या करने वाले हो जाकर? सर ड्यूअल लेकर सीपीयू चेंज करने के लिए। सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो, लगा रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो ना? बोर्ड आपको किसने दिया आपको? सर आपने तो दिया, एसर टेलीकॉम की तरफ से मिला। चलो जाओ, हम आपसे मिलेंगे, जाओ। थैंक यू। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं मिलन सर से। मिलन सर बताओ क्या है आज क्लास? आज हमारी डबल डेकर की क्लास है। जैसा कि हर बार जानते हैं हम आते हैं, सारे स्टूडेंट से प्रैक्टिकली करवाते हैं, आज उसी की क्लास है। और साथ में आपकी भी क्लास हुई है जिसमें 13-13 बक कॉइल की काम क्या है, एक्चुअली क्या काम करता है, 13 बक कॉइल क्यों लगा रहता है, एक फ़ोन में 4 पावर आईसी लगा है तो किस लिए दिया गया है, ये सारे चीज़ आज एक्सप्लेन किया गया है। और एक फ़ोन में अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कौन कौन से वोल्टेज बनेगा, कौन कौन से वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। आपको लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा देखना है तो देखना मिल जाएगा फेसबुक पर? फेसबुक लाइव पेज में मिल जाएगा। डेली हर घंटे की एक्टिविटी हम देते हैं लाइव फेसबुक पेज में, ताकि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा क्लास चलता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और आने से पहले आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करके आए कि ना यहाँ पे 13 घंटे की क्लास होती है, यहाँ पे ये चीज़ लेके जाना पड़ता है, यहाँ पे बोर्ड लेके जाना पड़ेगा, ये इतने सारे टीचर मिलेंगे, एक टीचर नहीं, ये सारी चीज़ आपको ताकि जानकारी मिलते रहे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये पूरी एक महीने की मेहनत करके बैठे हुए हैं, और इनकी थोड़ा आउटपुट भी लेंगे कि एक महीने तक यहाँ क्या कर रहे थे, क्या जबलपुर में कहाँ कहाँ घूमे या जिनकी हॉस्टल से इंस्टीट्यूट तक रास्ता देखे हैं, थोड़ा जानकारी भी लेंगे साथ। देखें मेरे आगे का समय मिला कि नहीं, सच बताओ कि मैंने एक इंस्टीट्यूट के ऐसे वीडियो देख रहा हूँ, तो एक कहीं है मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके हर संडे को छुट्टी रहती है और संडे को घुमाते हैं वीडियो बच्चों को, तो यहाँ बच्चे घूमने के लिए आते हैं, क्या करने आते हैं बताएं? यहाँ तो उनको खाना खाने के लिए भी बस 5 मिनट मिलते हैं, अगर आप उस टाइम में खाना खा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्लास वापस से चालू हो जाती है। जरूरी चीज़ क्या है, आप क्या किस के लिए आए? खाना रहना सोना ये नॉलेज नहीं रखता, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको नॉलेज से बढ़ के कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। खाना हो सोना हो तो हम जाने के बाद भी वही चीज़ करने वाले हैं, पर वो चीज़ को भी हम करने से पहले एक टाइम देखेंगे। अब जो यहाँ से स्टूडेंट जाएगा, अब वहाँ भी वही डिसिप्लिन जो यहाँ पे 28 दिन जो डिसिप्लिन के साथ उन्होंने रहा है, तो आगे भी वो उसी डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ दुर्गेश सर थे, अभी दीपक सर बताइए कैसा रहा? जी सर बिल्कुल बताएंगे, पहले दिन से हम इनको नोटिस कर रहे हैं और नोटिस करने के साथ साथ इनके स्किल पे भी काम कर रहे हैं हम। डे वन से इनकी आईसी रिवॉल्विंग की क्लास होती है, और डे टू की अगर बात करें तो दूसरे दिन में भी रिवॉल्विंग की ही क्लास करते हैं ये लोग, और तीसरे दिन में चालू फोन से पावर ये लोग निकाल के दोबारा से लगाते हैं, और चौथे दिन में सीपीयू। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर 4 दिन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं सीख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप हमारे एमडी सर से बात करिए, पेमेंट रिटर्न लेके जा सकते हैं।
तो आज डे वन से लेके आज हमारा 22 तारीख का क्लास हो गया सर, और 22 तारीख के क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट डुअल डेकर का होता है। इसके पहले क्या होता है, इनका हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हुआ रहता है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, EMMC कंप्लीट हो जाता है। हालांकि बात करें तो मीडिया टेक, क्वालकॉम, EMMC चेंजिंग का क्लास सारी हो जाती है कंप्लीट, हालांकि ओवरऑल सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी एक काम होता है इनका डुअल डेकर, जो अभी के मार्केट में सबसे ज़्यादा काम आ रहा है डुअल डेकर का। सैमसंग का फ़ोन उठा लीजिए, वन प्लस का फ़ोन उठा लीजिए, अभी तो शाओमी में भी आने लगा है, तो ये सब सारी चीज़ें सैंडविच CPU आने लगी हैं, तो इसका भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। और साथ के साथ इनका स्किल के साथ साथ हम लोग नेट प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे देते हैं, कि अगर इनको लगता है कि एंड्रॉयड से हटके भी इनको काम करना है तो इसका भी स्किल हम लोग देते हैं, तो साथ में इनको नेट प्रोग्रामिंग भी साथ में देते हैं। तो यहाँ पे आज जो हमारी क्लास है डुअल डेकर की क्लास है, और स्किल ऐसा है कि आज ये डुअल डेकर कर रहे हैं। तो मैडम बताइए आज आप क्या करने वाले हैं, आप मुझे बताओ। देखिए, जब ये लोग एडमिशन लेते हैं या आप लोग कोर्स की जानकारी लेते हो तो मुझसे ही बात होती है, मैं ही इनको सारी चीज़ें बताती हूँ कि यहाँ पे आप आओगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो आज हम इनसे लाइव यहाँ पर पूछने वाले हैं कि जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें इनको मिली कि नहीं मिली, उसी दिन की बात है। तो मेरे साथ में दो भाभी टीचर हैं, क्या कहना चाहोगे मोहम्मद सर? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये स्टूडेंट जो यहाँ पर जिस काम के लिए हम बुलाते हैं, तो आप ये देखिए कि वो काम इनसे पूरा होता है कि नहीं होता है ना। तो यही देखने का टाइम है, क्योंकि हम दे चुके हैं 22 दिन की क्लास, हम चौथे दिन नहीं पूछ रहे हैं इनसे, 20-22 दिन बाद पूछ रहे हैं इनसे। और एक और मेरे साथ में है, हम इनसे भी राय लेंगे, ये भी रहे हैं, बताओ कैसा रहा आपके नज़रिए से क्लास? सर बहुत बढ़िया रहा, अभी हमारे डबल डेकर की क्लास है, अभी देखेंगे स्टूडेंट का आउटपुट कैसा निकल रहा है। कैसा निकल रहा है, चलिए ठीक है, आइए चलते हैं क्लास के अंदर। तो ये मेरे साथ यहाँ पर 28 नवंबर की क्लास, 28 नवंबर की क्लास। यस सर। भाई ये बताओ पैसा वसूल किस किस का हुआ है, बताओ यहाँ पर दिखाओ, पक्का? यस सर। ईमानदारी से? यस सर। अगर मैं डे वन से बात करूं EMMC चेंज तक, किस किस का, जल्दी बताओ फिर से। ठीक है, जितना सोच कर आए थे उससे ज्यादा मिला कि उतना ही मिला है, बताओ? ज्यादा मिला है, चलो ठीक है। आज आपकी डुअल डेकर की क्लास है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? वाल्मीकि, ओडिशा से। वाल्मीकि ओडिशा से, वाल्मीकि ओडिशा से इतनी दूर क्यों आ गए उड़कर? क्योंकि इधर नॉलेज, सही नॉलेज मिल रही है, प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है। कैसा पता चला कि हाँ नॉलेज दे रहे हैं, मतलब कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाए हमको कि हम यहाँ आए? मैं देव सर का वीडियो देखा हूँ यूट्यूब में, और उनका उनका वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया, और उनको हर जितना भी वीडियो है बहुत यूनिक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए मुझे लगा कि यही पे मुझे सही नॉलेज मिलेगा, सही नॉलेज मिलेगा। तो ये सोचकर आपने हमारे वीडियो देखकर यहाँ आए। अभी आपके हाथ में क्या है, डबल लेकर दिखाओ जरा, डबल लेकर का बोर्ड है, मदर बोर्ड है, ये M30 आप देख सो बिल्कुल। और ये किसने दिया आपको यहाँ पर? ये एशिया टेलीकॉम ने प्रोवाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना? जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो मैं ये बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है, बोर्ड का कोई मतलब नहीं, नॉलेज का मतलब है। आप बोर्ड में एक से 22 निकाल रहे हो, लगा रहे हो, या सर्किट का भी नॉलेज ले रहे हो? नहीं, सर्किट का पूरा नॉलेज है सर, डायग्राम के साथ में, स्कीमेटिक के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सर्किट में देखो कोई भी सेक्शन बनाना बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर डेट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिससे पैसे भी बनते हैं। डेट सेक्शन में आदमी ज़्यादा पैसा बनाता है, तो डेट सेक्शन का बताओ कैसा रहा? डेट सेक्शन का बहुत ही अच्छा था, स्टार्टिंग से लेकर रीडिंग से लेकर फाइनल तक CPU तक बहुत अच्छा लगा। एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में मोबाइल रिपेयरिंग का, जो डेट सेक्शन का कितना चेंज हुआ? बहुत चेंज हुआ, 100-1% चेंज हुआ सर। तो डेट सेक्शन से सेटिस्फाई हो गए इस टेली को? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हूं सर। आज भी मैंने आपको बहुत डेट सेक्शन पढ़ाया, आज का क्लास भी बहुत जबरदस्त था, जैसे सब दिन जैसे नॉलेज मिलता था उससे भी और ज्यादा लगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तुमने आज अपने आपको थोड़ा टेस्ट किया, ये मैं सबसे भी पूछना चाहूंगा कि आज मैं आपको जिस लेवल पे समझाया वो थोड़ा हाई लेवल पे था, है ना। यहाँ मैं बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि आप हर चीज को एक बार भी समझ रहे हो। जी सर। तो मतलब आप सर्किट में इतना घुस गए हो कि आप सर्किट को अब इजीली समझ पा रहे हो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। अब वो पहले दिन जैसी बात नहीं रही, जिसमें आपने चार बार सुनने के बाद जब जाके वो सुनाई देता है, समझ में आता है आपको, है ना। तो अब धीरे धीरे मतलब सर्किट में समझ में आ गया है आपने। अच्छा, EMMC का कैसा रहा डिपार्टमेंट? मिलन सर का टेक्निक भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका बहुत आसान कर दिया है, एक बार नहीं 100 बार उसको, जब तक तुम समझते नहीं हो तब तो उसे समझाते रहते हैं, ऐसा सारे टीचरों में है आई थिंक। और दुर्गेश सर का सॉफ्टवेयर की बात करूंगा, दुर्गेश सर तो और सॉफ्टवेयर को और इजी कर दिया, कोड वर्ड में पढ़ा दे, जो 5 फॉर्मूला अगर याद कर सकते तो पूरा का पूरा सेक्शन समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया कि एसर टेलीकॉम एक स्टेप टू स्टेप चल रहा है, मतलब आप देखो ऐसा नहीं है कि आप सीधे आए तो आपसे सीधा CPU उतरवा रहे हैं या आपके EMMC खुलवा रहे हैं, है ना।
पूरा स्टेप टू स्टेप है, कौन सा टाइम है, कौन सा पढ़ाना है, जो समझ में आएगा स्टूडेंट को। एक रजिस्टर से शुरू किया जी सर, और एक जियो की पावर से आज डुअल डेकर तक का सफर है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना और ये एक महीने में पॉसिबल हुआ है। और मैं यही चाहूंगा यहाँ से जाने के बाद में जो भी प्लानिंग है हम आगे भी पूछेंगे, बट क्या कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हो यहाँ से जब जाओगे तो? यहाँ से यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है तो बहुत हाई है, बहुत हाई हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जीरो था सर, प्रोफेसर हूँ ये लाइन पे, और यहाँ के ऐसे नॉलेज मिला जो कि कहीं नहीं मिल सकता है मुझे लगता है। चलो ठीक है, क्या बोलना चाहोगे उड़ीसा से लोगों से? अगर बोलना चाहो किसी को, अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो एशिया टेलीकॉम आइए और प्रपोजल सही नॉलेज लेके जाइए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैठो, मेरे साथ में दो स्टूडेंट और हैं। चलो चालू है। एक राजस्थान से है और राजस्थान के जयपुर। हाँ सर, जयपुर से। जयपुर से है, मैं भी राजस्थान के हूँ, धौलपुर। और एक हमारा छत्तीसगढ़ से है, एमपी। छत्तीसगढ़ है सॉरी। तो अलग ही पड़ जाता है। तो पहले मैं दोनों का नाम ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या काम करते थे, ये कैसे आए यहाँ पे पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित प्रजापत है। और तुम कहाँ? मैं सीरीज वर्मा। सीरीज वर्मा, मुझे बताओ क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, तुम क्या काम कर रहे थे इससे पहले? एक्सपीरियंस, मैं इससे पहले मोबाइल का काम करता था। और मैं ये तो जानता था कि मुझे नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे मैं आया ना, जो मेरी फर्स्ट डे की क्लास थी उसमें मुझे पता चल चुका कि मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आते है, समझो कि एकदम फ्रेशर तरीके से। फिर मैंने वो जो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाए वो सब सीख लिया सर। आपको क्या लगा? बहुत मज़ा आया सर। पहले तो उतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ का नॉलेज ही था, सिर्फ मोबाइल बनाना था, ओपन करना था, झाड़ू पोछा लगा के मोबाइल देना था। सही बात है। अब ए टू जेड नॉलेज मिली है, क्या फॉल्ट है, कैसा फॉल्ट है, उसको फाइंड करेंगे, फाइंड करके। अच्छा मुझे आप दोनों बताओ कि मोबाइल की इंडस्ट्री में जितने भी अभी लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं दुकानों में, आप जैसी सोच पहले रखते थे वैसी सोच से का साथ काम कर रहे हैं वो? मतलब मोबाइल को खोलना चाहते हैं और सीधे वन टाइम में रिपेयर करना चाहते हैं। नॉलेज बहुत लोगों को आज के डेट में नहीं है जी सर, है ना, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? जी सर, यस सर। जैसी नॉलेज आपको इस एक महीने में मिली है, वो भले ही एक डेट सेक्शन हो, एक लाइट सेक्शन हो, एक रजिस्टर हो, एक ईएमसी हो, सॉफ्टवेयर हो, या आज डुअल डेकर हो, वैसी नॉलेज सिर्फ दुकान में बैठ के मिल पाना क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं करते, पॉसिबल नहीं है सर। बताओ मतलब हम लोग अभी 10 साल हो गया काम करते, अगर 50 साल तक भी अगर काम करते तो नॉलेज नहीं मिल पाती। और फिर 50 साल तक ऐसे काम करने का क्या मतलब अनसैटिस्फैक्शन? मतलब आप सोचो बिल्कुल भी नहीं है सर, जिसमें जिस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं थी, हमें ओनली फॉर वो काम कर रहे थे जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है। ये समझो कि हम एक वॉइस से का काम कर रहे थे कि जिसके वैल्यू आगे तक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप दोनों के हाथों में एक बोर्ड दिखाओ मेरे को, आज मैंने आपको दोनों को एक बोर्ड दिया है, तो जैसे इनके पास ये बोर्ड है तो रिज्यूम करो। ये भी एक बोर्ड है डुअल डेकर का, और यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखे होते हैं हर आपको। यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर A75, और यहाँ पर इनके पास में है यहाँ पर भी एक मॉडल नंबर लिखा होगा। तो ये दोनों जो डुअल डेकर फ्रेज बोर्ड है, ये आपको किसने दिए? सर ये ऐसे देखो मैं सच बताऊँ, बोर्ड की वैल्यू नहीं है। ऐसे हज़ारों बोर्ड खरीद लेंगे आप, हज़ारों बोर्ड पर काम कर लेंगे दुकान में, पर एक्चुअल में उस निकालने की टेक्निक की वैल्यू है। हाँ सर, उसी की तो वैल्यू, उसी के लिए हम, उसी के लिए है। आज आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली मिली यहाँ पर? हाँ सर बिल्कुल, तो आज भी मिली है और पहले भी दो तीन दिन से, मतलब 4-5 दिन हो गया, पहले भी प्रैक्टिकल भी हो रहा था, लाइव फोन रिपेयर हो रहा था सर। तो ये आपको डे वन से हो रहे हैं? जी सर। आपको जो भी कॉम्पोनेंट किया, जो भी सेक्शन बताया जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है सर, रोज प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो होना बहुत जरूरी है। आप लोग को भी काम मिलता है, टाइम मिलता है काम मिलता है? जैसे मेरी भी क्लास होती थी, जब मैं आपको 12 बजे आता था आपके साथ, 11:30 बजे या जो भी है, और 5 बजे जाता था, तो उसके बाद में क्या मैं आपको हॉस्टल जाने देता था? नहीं नहीं सर, उसके बाद सर जो हमें थ्योरी क्लास में समझाया गया उसका प्रैक्टिकल होता था, और उस प्रैक्टिकल में आप अपने भी बोर्ड निकाल सकते थे सारी चीज़ें, और कुछ लोग जो बोर्ड बनाते भी थे उसमें, है ना सर। सही है। तो सीखना कितना इम्पोर्टेंट है ऐसा स्टेप टू स्टेप, या डायरेक्ट दुकान में बैठ के ऐसे यूट्यूब वीडियो देखना है, क्या बोलना चाहोगे? बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ना उसमें एक शॉर्टली काम कर सकते हैं, वो सर आगे तक बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसमें वो एक तरीके से कचरा काम है। और ये जो नॉलेज लेके करेंगे ना सर, हम सीधा उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ शॉर्ट है या फिर उसमें प्रॉब्लम है उस चीज़ को। सर नॉलेज इतना मिला है कि हम आगे या चल के अपने शॉप में जाके 4-5 बंदे को सिखा सकते हैं, इतना नॉलेज है। वही तो नॉलेज मेरे, आप यही नॉलेज के लिए तो आए थे ना यहाँ पर, नॉलेज के लिए तो आए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आपने बताया? राजस्थान। सर राजस्थान जयपुर से। क्या बोलना चाहोगे जयपुर के स्टूडेंट को? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि
वो अगर कहीं भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं सर, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ पे चार दिन की अगर एक बार क्लास ले लेना तो सर वो वापस नहीं जा सकते यहाँ से। ये बात तो है। अच्छा, सर चार दिन का बैकअप आप लोग को भी दिया था? हाँ सर, हमें भी दिया। ऐसा तो नहीं था कि कोई दबाव था कि नहीं आप पैसे नहीं देंगे या फिर मैं अच्छा कोई जाना चाहता? चार दिन के दौरान बहुत हाई क्लास कर दी तुम्हारी सर। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से यहाँ पे घुमाओ जा रहे कैमरे, आप लोग सब एक ही हॉस्टल में रुके हैं? जी सर। एक ही कमरा ज्वाइन करते हैं? ऐसा तो नहीं अलग अलग रखते हैं? तो आपके जो चार दिन में कभी कोई ऐसा स्टूडेंट निकल के आया आपको जो कह रहा है कि मैं तो जाना चाहता हूँ भाई मेरे को पैसा दिलवा दो? नहीं हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू, बैठो दोनों बैठो। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सर रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट